युगो युगो से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 17 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, वैशाख मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज दशमी तिथि शाम 8:03 तक रहेगी और उसके पश्चात एकादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 11:55 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:44 से लेकर 12:21 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए अत्यंत कठिनाइयां लेकर आया है क्योंकि आज हर छोटी से छोटी बात पर आपको घबराहट होगी और आपका मनोबल टूटने लगेगा। आज आप बदलते मौसम की चपेट में आकर खांसी बुखार के शिकार भी हो सकते हैं जिससे आपका शरीर जवाब देने लगेगा और आपके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आज आपके ससुराल पक्ष से भी आपको अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि पिछले कई दिनों से आप आईज में स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं तो आज आप इसे हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर अपनी आईज का चेकअप करवाएं। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। लाइफ पार्टनर के साथ बेवजह की कलह भी आज आपका मूड ऑफ कर देगी और आपके गृहस्थ जीवन में आज अशांति का माहौल ही बना रहेगा। व्यवसायिक व्यक्ति आज अपने कार्यस्थल पर जल्दबाजी के चक्कर में अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में आपको भारी लॉसेस हो रहे हैं और आपका चलता हुआ बिजनेस बार बार ठप पड़ जा रहा है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से ऐसे उपाय पाएं जिनसे आपके व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। मिथुन राशि वालों, अगर आपकी आमदनी आपकी इनकम नहीं है और आप उसको बढ़ाना चाहते तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप या आपका कोई सगा संबंधी बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है तो जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर अपने कार्यों में जुट पाएंगे। आज
स्वास्थ्य लाभ हेतु आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर एक मोटी रोटी बनाएं और उसे जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है उसके ऊपर से 7 बार उतारकर भैंस को खिला दें। यह क्रिया करते हुए ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो जल्द से जल्द जो रोगी व्यक्ति है वह स्वस्थ हो जाएंगे और अपने कार्यों में जुट पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक भी स्टार नहीं दूंगा। नाम वरुण घोष है। हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था। बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत मंदिर के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।